लड़ो लड़ो, बहुत दिनों से मैच नहीं देखा WWE। ये आपस में भी इतना लड़ा है? हाँ, अच्छा, चटनी बना दी है। और चटनी में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पुदीना ज़्यादा हो गया, इसलिए थोड़ा कड़ी हो रही। बाकी ये हमने बनाई भाई मिक्सी से, और मिक्सी का उद्घाटन हुआ आज ही। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ में व्यस्त होंगे। तो चलिए एक नए दिन की और एक नए वीडियो की करते हैं शुरुआत। मैं हूं आपके साथ देशबंधु भोगड़ा, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पहाड़ी बुला बंधु। मेरे गांव का नाम है धौतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। हम चलते हैं किचन में। यहाँ पर है अर्चना। क्या बना रही है अर्चना? चटनी। और भाई इसने ये चटनी बना दी है, और चटनी में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पुदीना ज़्यादा हो गया, इसलिए थोड़ा कड़ी हो रही। बाकी ये हमने बनाई भाई मिक्सी से, और मिक्सी का उद्घाटन हुआ आज ही। कौन सी कंपनी की मिक्सी है? बजाज। तो भाई ये है बजाज की मिक्सी, और इससे हमने पहली बार इसका आज उद्घाटन हुआ। आप देख सकते हैं भाई, इसका रैपर भी ऐसी है फिलहाल। यही था भवन। और ये गोल होने और आरती ने मिल के बनाई भाई। ये इसका जार है। अभी चटनी को टेस्ट करके दिखाएंगे कैसी हो रही। बाल बाकी भाई देख सकते हैं आप, दिखने में तो बढ़िया लग रही है, लटपटी सी। अब खाने के बाद ही पता चलेगा। और नाश्ता क्या होगा? बीन आलू की सब्जी और रोटी, और साथ में चटनी। बाकी चटनी इन्होंने इतनी सारी बना ली कि एक महीने की छुट्टी हो गई। डालेंगे फ्रीजर में। चलिए जी, फिलहाल हमने सोचा कि आज जो है धनों की करते हैं सफाई। यहाँ पर अपनी धनों खड़ी है। बाकी आप सोच रहे होंगे यार, कभी मैं धनों बोलता हूँ, कभी बसंती बोलता हूँ, तो ऐसा है कि आज से इसका नाम चेंज हो गया, धनों बोल दिया। क्योंकि ऐसा है कि जिस लड़की से अपनी भाई शादी होने वाली है, उसकी मौसी का नाम भी बसंती है, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि बार बार उसे बड़ों का नाम लेना। तो जब पता है तो भाई ऐसा करते हैं कि भाई वो तो अपना नाम चेंज करेंगे नहीं, बसंती का ही नाम चेंज कर देते हैं और उसका नाम धन रख देते हैं भाई। बाकी देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी वानी डाल दिया है, और अब इसको अच्छे से धुलेंगे शैम्पू से। आज हमारी विद्यालय की छुट्टी है, तो इसलिए सोचा कि भाई क्यों ना कुछ काम किया जाए। तो यही काम है कि भाई आज धनों की सफाई करेंगे, और बाकी जो इधर को हल्की फुल्की सफाई करेंगे, ऊपर सीढ़ियों की सफाई करेंगे, और अंदर की मतलब आज घर के पूरे कमरे की टोटली सफाई का काम है। और सुबह से मैंने टॉयलेट बाथरूम वगैरह भी साफ़ कर दिए हैं। तो बाकी चलो, अभी धनों की बारी है नहलाने की और धुलाने की। तो चलिए जी, बसंती की हो गई है धुलाई, एकदम चमक गई है धनों। अभी अपनी धुलाई करने का टाइम आ गया है। बाकी यहाँ पर ये कुछ खरीदारी कर रहे भाई। क्या ये क्या लिया है इतनी बड़े छेड़ के? हैं सिंक के लिए क्या करेगी उतने बाल्टी का है? तो भाई इनका भी बढ़िया है, ठेला लेके घूमो गली गली, बस 1000-2000 बन जाते हैं दिन के। कम मत समझो भाई तुम इनको। अंडे जी प्रणाम। ठीक है, कल्लू और झबरू भी दिखाई दी। कल्लू हेलो, क्या हाल है ब्रो? भाई साहब इनकी भाषा समझ में नहीं आती, पल्ले नहीं पड़ते, बोलते क्या क्या है। धनों को नहलाने के बाद मैं खुद भी नहा गया हूँ, धो गया हूँ, और उसके बाद हमने नाश्ता वास्ता किया, और उसके बाद थोड़ा सा सफाई वगैरह करी, और अभी मैं बैठ गया हूँ बाहर पे धनों के ऊपर। और बाकी भाई ये सब करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, और अभी दिन के 2:30 बज गए हैं, और सीधे खाने की तैयारी हो रही है। बाकी आज मौसम की बात करें तो भाई मौसम कुछ ऐसा हो रहा है आजकल, कहीं बादल दिख रहे हैं, और बाकी थोड़ा सा मौसम साफ भी है। और वैसे आजकल बारिश ने परेशान करके रख दिया है भाई, रोज़ बारिश ही हो रही कंटिन्यू, और आज भी कुछ ऐसी बन रखा मौसम ताकि भाई शाम तक बारिश आ जाएगी। और मौसम विभाग का अलर्ट भी है कि कुछ जिलों में तेज से मध्यम बारिश हो सकती है।
तो भाई ऐसी कुछ लग रहा है कि मौसम आज भी बारिश होने वाली है। कल्लू का और झबरू का कहीं पता नहीं है, सुबह तो दिखे थे लेकिन अभी दिख नहीं रहे हैं कहीं भी। तो चलिए बाहर को देखते हैं कहीं है कि नहीं है। भाई इधर को ना कबूतरों ने हमें परेशान कर रखा सुबह सुबह गेट में, इधर ही बहुत ज़्यादा गंदगी कर देते हैं, एक आ रखा है। और हमारे बाथरूम के पीछे तो भाई कबूतरों ने बच्चे भी दे रखे हैं, मेरे ख्याल से इन्हीं कबूतर के हैं वो बच्चे। और चलिए देखते हैं अभी क्या, आपको बच्चे दिखाता हूँ कि कहाँ पर है। बच्चे हैं उनके वजह से भाई टॉयलेट में गंद भी आ रही बहुत ज़्यादा। वो भाई साहब ये देखिए, ये हैं यहाँ पर कबूतरों के बच्चे। बाकी भाई कबूतर बहुत गंदगी करते हैं, यूँ के बास रहे हैं, यूँ के बास या खोने। इनके मम्मी पापा है नहीं भैया, इससे पहले कि आए यहाँ से निकल लेते हैं। ये आप हमारा भी ये तो लड़ा है, वो दो चार दिन में उड़ जाएंगे यार। भाई गंदगी भयंकर कर रखी। हाँ अच्छा भयंकर ये पाप। अब कबूतरों के बच्चों ने और कबूतरों ने भयंकर वाले गंद मचा रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी कर रखी। कबूतर वाले बहुत गंदे होते, उनके बास इतनी ज़्यादा आ रही कि अभी भी नाक में भाई ऐसे चुभ रही हो। तो अभी दो बत्ती वगैरह हमने जला दिए उस कमरे में ताकि बास ना आए। बाकी क्या कर सकते हैं, जब तक वो उड़े नहीं तब तक तो झेलना तो पड़ेगा ही। चलो देखते हैं, दो बत्ती जलाने से थोड़ी सी गंद कम हो जाए। कबूतर बहुत गंदे होते हैं, अपने बच्चों की भी ऐसी गंदगी में वो पैदा करते हैं, क्या ही बोलें, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा। कर सकते हैं उनका उड़ने का इंतज़ार करेंगे और क्या करेंगे। तो चलिए अभी खाने पीने की तैयारी हो रही है, तो बना रही है आज केक दाल होने, अरहर की दाल बना रहे। तो चलिए जी इधर दाल भात बनने की तैयारी हो रही है। शाम के 6:30 बज गए हैं और अभी तक मैं सोया था। बाकी भाई मौसम का आजकल क्या ही बोलें, क्योंकि आजकल भाई जो नवंबर दिसंबर में होनी थी सर्दी वो आजकल हो रही है। देखिए ये मेरा दोस्त कल्लू आ गया भाई यहाँ पर। हेलो कल्लू, हेलो कल्लू, इधर देख ले भाई। अब कबाड़ की छाटी लगा रहा, चल कबाड़ की छाटी लगा रहा है। झबरू किधर गया, झबरू हैं। अरे देखो भाई दोनों दोस्त आ गए, ये देखो बड़ा प्यार प्रेम हो रहा। झबरू झबरू बनी चाय, झबरू पंजा दे रहा, ले पंजा दे, आ मत ये भाई, इसको आ जाता पंजा देना। ये देखो ये देखो ये देखो, आ जा कल्लू, मार रेस मार, चल आजा आजा। धो देख मेरा धोला बोला भाई, आवारा कुत्तों के साथ मस्त मजे हैं भाई। इनको बाहर छोड़ो, इधर छोड़ो, उधर छोड़ो, पालतू कुत्ते तो भाई अंदर बिस्तर में सुलाने पड़ते, लेकिन ये ठीक है, आवारा कुत्तों को पालने में एक फ़ायदा ज़रूर है कि भाई ये आपको टाइम से आएंगे, फालतू का परेशान नहीं करेंगे। इनको भाई लैटरिन लूटरिन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद ही जाएंगे बेचारे, खुद ही आएंगे और ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। क्यों भाई क्यों भाई, नहीं तो आजकल तो भाई देहरादून में इतना ख़तरनाक ट्रेंड बन गया कुत्तों का कि क्या ही बोलें, सबके घर में एक एक कुत्ता है। वो सुबह सुबह सब पॉटी करवाने भाई सड़कों के किनारे ले जा रहे हैं और घर में उनको सुला रहे हैं। बाकी आदमियों से तो प्यार प्रेम है नहीं, लेकिन कुत्तों से लोगों का प्यार प्रेम बहुत जाग रहा है देहरादून में ख़ास तौर से। ओए कहाँ मत भयंकर की दांत मार रहा है, चल समझा दे। दो दो डॉग हैं मेरे पास भाई, वो भी फ्री में भाई। अभी तो फ़िलहाल एक ब्रेड बची हुई है, ये खा ले।
ये देखो जी, ये आगे झबरा, आ जा झबरा, ले झबरू वो चल तूने खा ले। क्या क्या उसको भी खाने दे, ये हरामी है भाई, उसे खाने नहीं देता। खा ले भाई फटाफट। भाई झबरा बहुत समझदार है, झबरू अंदर नहीं आता बिल्कुल भी आसानी से, और ये भाई सीधे अंदर घुस जाता है और ये गेट के बाहर ही रहता है, तब तक अंदर नहीं आएगा जब तक बुलाएंगे नहीं। और ये भाई बिन बुलाए आ जाता भाई अंदर, बिन बुलाए मेहमान है। थोड़ी इनकी खतरनाक है, लड़ो लड़ो, बहुत दिनों से मैच नहीं देखा WWE। कट 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 उसको खा ले साले की टंगड़ी है। उसने मीट नहीं खाने देना तेरे को, बस बदला निकाल दे आज भाई। हाँ पकड़ पकड़ टांग पकड़ 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 पकड़। हाँ ये खा जा कल्लू को। कल्लू तो जी चलिए, चाय पीने का टाइम हो गया है और इस ब्लॉग का एंड करने का भी टाइम हो गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे जल्दी आपको एक और नई वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का रखना ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।